श्रावस्ती से आ रही है बड़ी खबर। श्रावस्ती में करवा चौथ का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। विवाहित महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। सुहागिनों ने देर शाम छलनी से चांद के दीदार किए। महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन किया। श्रावस्ती में गुरुवार को करवा चौथ पर्व की धूम रही। सुबह होते ही सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रतधारी महिलाओं ने दिन भर पानी का एक घूंट भी गले से नहीं उतारा। शाम को महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत की कथा परिवार के सदस्यों को सुनाई। उन्होंने परंपरागत रीति रिवाज से करवा चौथ का पूजन किया। इसके बाद महिलाएं सज धज कर चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगी। अनेक महिलाएं शाम होते ही घर की छत पर आसमान की ओर देखकर चंद्रमा के निकलने की वाट जोहती रही। रात 8 बजे बजने के बाद जैसे ही आसमान में चांद निकलता दिखा, महिलाएं पूजा की थाली सजाकर घरों की छत पर पहुंच गईं, जहां महिलाओं ने अपने चलनी से चांद को निहारा, फिर चलनी की ओट से अपने जीवन साथी के चेहरे का दीदार किया। इसके बाद करवा के चंद्रमा को अर्घ देकर पति की दीर्घायु की कामना की। इसके बाद सुहागिनों ने अपने पति को घर में बनाए गए पकवान खिलाकर अपने व्रत का समाप्त किया। मैं नीलमरानी पत्नी रविपाल खोसला परिवार से हूँ, खोसला परिवार की बहू हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ इकोना आई हूँ, मेरा घर इकोना है और यहाँ पर करवा चौथ मनाने आई हूँ। करवा चौथ के दिन और हमारी बहू का ये पहला व्रत था, इसलिए हमने यहाँ पर करवा चौथ मनाने आए हैं हम दिल्ली से, और मेरी ननद भी मेरठ से आई हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें करवा चौथ में हम सब स्त्रियाँ गणेश भगवान की पूजा करते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए स्वागत व्रत रखते हैं, सुबह सर्गी करते हैं, उसके बाद बड़ों के चरण स्पर्श करते हुए सारा दिन हम भूखे रहते हैं। और जब शाम को 5 बजे सब स्त्रियाँ समूह में इकट्ठी होकर पूजा करती हैं, थाली को बटाती हैं, सजती हैं, दस्ती हैं, को बच्चे से हम बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं चरण पकड़कर। वही हमने किया, अपने परिवार के बड़ों का चरण स्पर्श किए और उनको पायना दिया विधिवत। और उसके बाद अब जब चंद्रमा निकलेगा 8-9 बजे तो हम अपने परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से हम खाना खाकर व्रत का समापन करेंगे और अपने पति के अपने बड़ों के फिर चरण स्पर्श करेंगे। ईश्वर सभी सुहागनों की पतियों की उम्र लंबी करे, सभी के पति स्वस्थ रहें, लंबी उम्र और परिवार में खुशी हम दे सकते। ये व्रत बहुत किस्मत वालों को रखने को मौका मिलता है। बहुत सोनम खुशला है, हम लोग ने आज करवा चौथ का व्रत रखा। मेरी बहू का आज पहला करवा चौथ है और बहुत खुश है। आज वो अपने ब्रैंडेड का पूरा लहंगा और जेवर सब पहने हुए हैं और उसको कह रहे थे सुबह से बहुत एक्साइटेड थी। और हमारे घर में सब लोग पंजाबी परिवार आए, हमने पूजा अर्चना की, शाम को अर्घ देकर के हम लोग खाना खाएंगे, अपना व्रत करेंगे। ये गौरी पूजा गणेश पूजा का गौ माता की पूजा का ये व्रत होता है, जिसमें सब सुहाग ने व्रत रखी है। भगवान हमेशा सुख साथ बनाए रखें।